एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। आज हम बनाएंगे राजमा, वो भी बिना तेल के, विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, जीरो ऑयल राजमा के लिए। देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये एक कप राजमा है, इसको मैंने रात भर भिगोया है। ये दो मीडियम साइज प्याज हैं, इसको फाइनली चॉप किया है। ये मीडियम साइज चार टमाटर हैं, इसको ग्राइंड किया है। ये एक इंच अदरक है, इसको कद्दूकस किया है। और एक मिर्ची है जिसको चॉप किया है। ये पांच लहसुन की कलियां हैं, इसको चॉप किया है। हरा धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये बहुत ही कम मसालों से बनेगा। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, बस। तो स्टार्ट करते हैं राजमा बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम भिगोए हुए राजमा पानी समेत डाल देंगे और डालेंगे कटे हुए प्याज, लहसुन, इसको मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट। थोड़ी सी लाल मिर्ची हम थोड़ी डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हम बाद में भी डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे पानी, अबाउट हाफ अ लीटर। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। पहली विसल आएगी तो मैं इसको सिम पे कर दूंगी, और सिम पे ही 45 टू 50 मिनट्स कुक होगा। पहले हम फुल पे रखेंगे और बाद में एक विसल के बाद सिम पे करेंगे। तड़के के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, बिल्कुल ऑयल नहीं डालना है। इसमें हम डाल देंगे पिसे हुए टमाटर, और डाल देंगे टमाटर के हिसाब से नमक। टमाटर को हमें ऐसे ही पकाना है, बिकॉज दिस इज अ जीरो ऑयल रेसिपी, और इसमें ही टमाटर पक जाएगा और हमारे राजमा यमी भी बनेंगे। दो मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्ची और इसको मिक्स करेंगे। अब हम कढ़ाई को सिम पे करेंगे और इसको ढक देंगे। अब ये पकता रहेगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर का कितना अच्छा कलर आया है। अभी हमने इसमें कोई भी मसाले नहीं डाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर अबाउट 1 टीस्पून डाला है। वन फोर टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे। इसमें अभी हमने मसाले डाले हैं तो थोड़ा ये मसाला कलेक्ट हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे आधा कप पानी, इसको मिक्स करेंगे और ढक के सिम पे 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट बाद ये तड़का बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और राजमा में डाल देंगे। 45 मिनट्स के बाद गैस मैंने बंद कर दी, और जब स्टीम निकलने के बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए राजमा कुक हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने तड़का प्रिपेयर किया था वो डालेंगे, और यस पानी कम हो गया है तो हम गरम पानी भी इसमें डालेंगे। अब हम इसमें तड़का डालेंगे जो हमने प्रिपेयर किया था।
इसी कढ़ाई में हम थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है, इसको अब हम एक बॉईल देंगे। लुक एट द कलर, कोई कह सकता है इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है और टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इसको बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ अ ज़ीरो ऑयल रेसिपी एंड वेरी यम्मी। इसको एक बॉईल देने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और हमारे राजमा रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसको सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे धनिया से। और हमारे यमी ज़ीरो ऑयल राजमा एकदम तैयार है खाने के लिए। बस चावल बनाइए और इनको इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग मी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।